बिहार के लिए कल का दिन बेहद खास है। 28 अक्टूबर का दिन बिहार में पहले चरण के मतदान का दिन है। चुनाव प्रचार थम चुका है, तमाम तरह के राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो चुकी है, खूब लुभावने वादों की झड़ियां लग चुकी है, लेकिन कल का दिन अब जनता के फैसले पर टिका है, क्योंकि कल जनता भरपूर वोट डालेगी। लेकिन पहले चरण के मतदान में 71 सीटों पर चुनाव होने हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस पहले चरण में किसका पलड़ा अधिक भारी है। आज हम इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। एक रिपोर्ट की माने तो जेडीयू के सामने आरजेडी बड़ी चुनौती बन सकती है, और कहा बस माना ये जा रहा है कि महागठबंधन भारी भी पड़ सकता है। इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 71 सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। एनडीए के लिए जेडीयू और महागठबंधन में कांग्रेस थोड़ी कमजोर दिख रही है। अपने अपने गठबंधन में दोनों को जितना नुकसान, कम नुकसान या फायदा और अधिक फायदा होगा, उसी पर तय होगा कि पहले चरण में किसका पलड़ा भारी है। बात अगर 2015 की करें तो जेडीयू ने 2015 में महागठबंधन में रहकर चुनाव लड़ा। तब उसने इस बार के पहले चरण की 71 सीटों में 29 पर उम्मीदवार उतारे थे और 18 सीटों पर उसकी जीत दर्ज की थी। आरजेडी ने 29 सीटों में से 27 पर जीत दर्ज की थी और कांग्रेस ने महागठबंधन में रहते हुए पहले चरण की 13 में से 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन अब 2020 का विधानसभा चुनाव कुछ अलग है और अलग तरह के बिहार के चुनावी समीकरण भी है। लेकिन हम आपको इस रिपोर्ट में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि महागठबंधन आखिर जेडीयू पर कैसे भारी पड़ रहा है। कुछ बिंदु के माध्यम से हम आपको बताते हैं। दरअसल जेडीयू के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है। जेडीयू को एलजेपी 2-4 सीटों पर हराने की स्थिति में भी दिख रही है। जेडीयू के खिलाफ माले भी महागठबंधन की ताकत पाकर 2 या 3 सीटें जीतने की स्थिति में है। जेडीयू आरजेडी की 24 सीटों पर सीधी लड़ाई है। बीजेपी के बाकी 23 नेताओं में ज्यादातर इन्हीं सीटों पर है। जेडीयू को जीत का प्रतिशत बढ़ाने के लिए इनसे ज्यादा वोट बटोरने होंगे, जो कि मुश्किल दिख रहा है। जेडीयू के लिए खुश होने की बात यह है कि उनके खिलाफ 11 सीटों पर कांग्रेस है, मगर कांग्रेस भले ही बीजेपी की आसान शिकार हो, लेकिन जेडीयू के लिए वह आसान नहीं है। महागठबंधन में भी कांग्रेस का अच्छा खासा प्रदर्शन जेडीयू से अच्छा है। जाहिर सी बात है कि पहले चरण के मतदान में महागठबंधन का पलड़ा भारी दिख रहा है। अब सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार पहले चरण के चुनाव में अपना कमाल दिखा पाएंगे या फिर महागठबंधन हावी होता दिखेगा।